ओम शांति। कल बाबा ने कई बार सृष्टि चक्र पर समझाया। बाबा पहले भी अनेक बार कहते कह चुके कि अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ ताकि अपने से भूले न हो, उसके लिए अपनी विवेक शक्ति पावरफुल बने। उसका एक ही रास्ता है, अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ और आत्मचिंतन आत्मविश्लेषण की आदत डालो। तो कई बार बाबा कहते चित्रों के आगे जाकर बैठ जाओ, देखो इस चित्र में नॉलेज की क्या बातें, रियलाइजेशन की क्या बातें हैं, अपने वेस्ट संकल्प निगेटिव संकल्प को स्टॉप करने की क्या बातें हैं, अपनी भूलों को प्रायश्चित करने की क्या बातें, अपने पुरुषार्थ को और तेज करने की क्या बातें हैं। सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर स्मृति लब्धा बनने की क्या बातें हैं, ये प्रश्न हर एक चित्र से उत्तर अपने आप ढूंढ निकालेंगे। और फिर निकालो कि इस चित्र से मुझे क्या क्या स्वमान मिलता है जिसके अभ्यास में रहने से ये फायदे मैं आत्मा ले सकती हूँ। सृष्टि चक्र हमें समय की पहचान देता है, अपने आदि और अनादि गुणों की पहचान देता है, हमें अपने श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कैसे जमा हो इसका दिशा निर्देश देता है। संगम युग है सबसे कीमती युग, हीरे तुल्य युग, परमात्म मिलन का युग, जिसका एक एक सेकंड भी बहुत बहुत कीमती है, इसकी पहचान देता है। कल बाबा ने कहा कांटे को बदला तो नहीं जा सकता, जहां तक पहुंचा है उस समय की स्मृति और आगे क्या करना है वो भी मुझे क्या करना है उस स्मृति पर हमारा फोकस हो। घड़ी की टिक टिक चलती है, विचार करें ये टिक टिक क्या संदेश देती है। विश्व का विनाश होगा, महापरिवर्तन होगा, सत्युग आने वाला है, मिरुआ मौत मलों का शिकार, आने वाली दुनिया का संदेश सबको देना है, ये सब तो ठीक है, लेकिन विनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, केवल इतना ही याद करें तो अलबेलापन भी आता है, बस हम तो बदल गए, हम तो बाबा के बन गए। दुनिया वाले इस बात को समझे, परंतु और गहराई में जाओ, क्या इस टिक टिक से ये रियलाइज होता है कि कानों से जितनी बार टिक टिक सुनते हैं इस शरीर में आयु कम हो रही है उतने ही सेकंड,
ये जो हीरे तुल्य शरीर मिला है, इस शरीर में रहने का समय बीत रहा है, एक एक सेकंड कम होता जा रहा है। जैसे बालू घड़ी होती है ना, ऊपर की बालू धीरे धीरे नीचे खाली होती जाती है, रोज हमारे इस शरीर की आयु कम होती जा रही है। तो फिर सफल तो हमें करना है, केवल सफल करो सफल करो। ये घर गृहस्थी वालों के लिए सिर्फ नहीं है, हमें सफल करना है। और सफल के पहले विफल ना हो, इसको फुल स्टॉप लगाना है। क्या लेके आए थे संसार, और जो कुछ भी अभी है वो एक एक चीज बाबा की देन है। ना हमारे हैंड्स है, ना हमारे साधन है, और सेवा भी मैंने किया, मैं सेवा करती हूं, इस सोच की परत को भी हटाओ। एकांत में अपने लिए समय निकाल करके बड़ी मुश्किल से हटेगी। मैंने ये किया, मैं ये किया, वो मैं कर सकती हूं, यही तो अभिमान लाता है, नशा चढ़ाता है, और इसी की परत विवेक शक्ति को कम करती है, जो गलती होने के बाद पश्चाताप होता है, और होने के बाद भी ना हो, रियलाइज ना हो, सॉरी नहीं कहा, सच नहीं बताया, तो उसकी क्या गति होती। ईश्वरीय खजाने का लेवल कम होता जाता है, फिर महसूस होता है पहले जैसे बीके लाइफ का अनुभव नहीं है। बाबा ने कहा है संग दोष से बचो। ये संग अज्ञानियों के संग से तो हम बच गए, बहुत सारा संग दोष है, लेकिन जो अपने जीवन की कोई ना कोई उपलब्धि को मेरी उपलब्धि समझना, इस मैपन और मेरापन से उसके संग से अपने को बचाना बहुत जरूरी है। इसी का ही शास्त्रों में गायन है कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे। हम सभी सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं, सेवा तो शिव बाबा का यज्ञ है, बढ़नी ही है सेवा, मम्मा बाबा के और आदि रत्नों के त्याग तपस्या और बलिदान की। ये कहानियां है जो ऑटोमेटिक सेवा हो रही है, जो गायन है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, संकल्प से भी रची और मुख से भी। तो जो सेवा आज हम सभी देख रहे हैं, ये तो उसी समय बाबा ने रच दिया था। आत्माएं ऑटोमेटिक बाबा की बन रही है, ये तो हमारा सौभाग्य है जो बाबा हमें नियमित बना देते ताकि हमारा कुछ भाग्य बन जाए। लेकिन मैं और हम, मेरा, ये तीनों शब्द रहे न रहे, सेवा तो होती है। छोटी छोटी बहनें भी बहुत सेवा कर लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है। गीता पाठशाला वाले भी बहुत सेवाएं करते हैं, सेंटर से भी ज़्यादा वो विकसित होते हैं कई गीता पाठशालाएं, कोई बड़ी बात है।
ये मैपन की परत को हटाने की मेहनत करनी है, यही रियल तपस्या है, जिससे न जिज्ञासु से अटैचमेंट हो, न स्थान से अटैचमेंट हो, न वस्तु से अटैचमेंट हो, न अपनी फॉल्स इमेज से अटैचमेंट हो, न अपनी महिमा से अटैचमेंट हो। बहुत गहरा पाठ अपने को पढ़ाना है, मैं आत्मा। दिन भर चेक करना है कौन सा मैपन, कौन से मैपन की परत मुझ पर दिन भर बार बार जम जाती है, जो मेरे मन के अंदर हलचल लाती है। प्यार संकल्प का उस पर ही ज़्यादा मेहनत करनी है, वो गंदगी अपने पर बैठने नहीं देनी है। ये बाबा के सूक्ष्म इशारे हर मुरली से हमें मिल रहे हैं। इस संग दोष से बचना है, और जब मन की स्थिति कमजोर हो तो फिर संग पकड़ते हैं कमजोर स्थिति वाले का, जो लगता है कोई मेरी बात में हाँ में हाँ करे। ये राइट ट्रीटमेंट नहीं है अपना। एक और एक कहेंगे, किसी एक को ही तो सुनाया, लेकिन एक और एक 11 नीचे की अवस्था और बनती जाती है। तो उस समय सही ट्रीटमेंट, बाबा को याद करो, निमित्त से जो अपनी अच्छी अवस्था वाले हैं उनसे शेयर करो, मनन चिंतन करो, मुरली का अध्ययन करो। अगर सही मेडिसिन नहीं ली तो मेडिसिन के नाम पर जो हमने ट्रीटमेंट किया उससे मन की अवस्था घायल होती है। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, क्या ये मेरा भी गायन है? सोचो, अंतर्मुखता की गुफा में जाकर सोचो, बहुत रत्न मिलेंगे अंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।